चल यार रॉकी डांस करते। नहीं यार सुशु तुम जाओ, मुझे नहीं करना। रॉकी ने कहा ना कि उसे डांस नहीं करना, तुम लोग डांस करो। ठीक है। वो शिवांगी मर के भी हम दोनों के बीच से कई नहीं अब तक। शिवांगी कौन हो तुम दोनों? हाँ हमें अवंतिका मैम ने यहाँ बुलाया है किचन में हेल्प करने के लिए। हम दोनों खाना बहुत अच्छा बनाती है ना, इसलिए। अच्छा केटरर के यहाँ से आई हो? जी। चलिए ठीक है, मैं तुम दोनों का काम बता देता हूँ, आओ। सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल।
कितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमान ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जमीन पे ना सही तो आसमान में आमिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल। जानती थी रॉकी कि आएगा वो पल जब तुम मेरे लिए कुछ महसूस करोगे। वो आई एम सो सॉरी बड़ी माँ, वो गलती से। रॉकी, ये मेरी दोस्त अनु है, चेहरा देकर भविष्य बताती है। हाय। मैंने इसे यहाँ बुलाया है। वो क्या है ना, आजकल मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अब और एक दिया है जो रोज फट पड़ाता है। अब पहले वो सगाई कैंसिल हुई, उसके बाद शादी में मारधाड़। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। सुनो, हाथ दीजिए अपना। अजीब, बहुत अजीब लग रहा है मुझे आपके लिए। क्यों? मैंने ऐसी शादी कभी देखी नहीं। ये शादी का है, ये तो एक समझौता है। आपके सितारे काफी अजीब हैं। सितारे अजीब है मतलब? प्यार तो मिलेगा बट नफरत के साथ, खुशी तो मिलेगी बट आंसुओं के साथ, अच्छाई तो मिलेगी बट बुराई की सागरों को पार करने के बाद। तुम कहोगी दिल की बात बट लोगों को समझ नहीं आएगी। प्यार आएगा? प्यार कहाँ आएगा, प्यार तो मेरा चला गया। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, सुनामी आने वाली है। मैं लोगों का चेहरा देख के उनका भविष्य बता सकती हूँ, कल क्या होने वाला बता सकती हूँ, पर पता नहीं क्यों इस पल में तुम्हारा चेहरा पढ़ के भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट इतना पता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप तो सबका भविष्य देख सकती हैं, तो फिर मेरा क्यों नहीं? यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, मेरी शादी हो रही है। जिससे तुम्हारी शादी होगी वो इस दुनिया की नहीं होगी, वो जो भी है ना यहाँ की है ना वहाँ की, वो किसी और ही दुनिया से होगी। मतलब? उसमें थोड़ा सा जहर है और थोड़ा सा प्यार। ये तो असली पंडित आए निकले। अगर इसने रॉकी को बता दिया कि उसकी शादी नागिन से होने वाली तो मेरा राज खुल जाएगा। ये ओवर एक्टिंग की दुकान कहाँ गई? ए मोटी, ये किस ओरिजिनल माल को पकड़ के लाई है तू? हाँ, ये रॉकी को बता देगी कि मैं एक नागिन हूँ। अरे जाके रोक इस भविष्यवाणी को, और आज रात तेरे भविष्य की बजा दूंगी मैं। जा जल्दी। जा रही हूँ। ये क्या करके रहे हो तुम? देख कर नहीं चल सकते। खराब है तुम्हारा सूट, खराब कर दिया। जाओ यहाँ। इट्स ओके बड़ी माँ, जाओ तुम। बड़ी माँ, मैं साफ करके आता हूँ। नाइस टू मीट यू।
मैंने कहीं देखा है आपको। माँ, मेरा मतलब है कि मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। ओ, हाथ देना अपना जरा। ये इतने लोग यहाँ नहीं होते ना, तो वो बड़ा वाला हाथ देती, टस लेती। अनु, ये वही है जिससे रॉकी की शादी हो रही है। तू इसकी बात छोड़ ना। अब मेरा हाथ देख, आज मुझे क्या मिलने वाला है। बहू, बच के रहना अपनी बहू से। मतलब? काली नागिन, काली नागिन से डर के रहना। तुम्हें डस भी सकती है। लगा तो था। मतलब भूख लग रही है ना? मुझे भी लग रही है। चलो ना, जाकर कुछ खाते हैं। चलो ना। इस तरफ। किसने बुलाया इस पंडितायन को? कुछ ज्यादा ही चेहरा पड़ लिया। भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। हाँ रोमिल, शिवांगी। मुझे लगा शिवांगी यहाँ। मैं तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दूंगी रॉकी, और मेरे बदले की शुरुआत तुमसे होगी। रुको, कौन है तुम? मैं कुक, खाना बनाती हूँ। मैं ज्योतिष, चेहरा देख के लोगों का भविष्य बताती हूँ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ ही घंटों में तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। तुम्हारा इंतकाम शुरू होने वाला है। ठीक कहा आपने, मेरा इंतकाम शुरू होने वाला है। अपने माँ बाबा के कातिलों को मैं छोड़ूंगी नहीं। जहां देखता हूं तुम ही तुम दिखती हो, हर कहीं तुम्हें महसूस करता हूं, और दिल की अब भी नहीं मानता तुम यही हो, यही कहीं।
रॉकी भैया। मुझे क्या हो रहा है? वो मेरी माँ का कातिल है, ये जानते हुए भी। शिवांगी, इन रिश्तों में उलझकर अपनी मकसद को मत भूल जाना। तेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है, एक ही मकसद, एक ही काम, तेरी मां का इंतकाम। अभी क्यों बुलाया मुझे? मेरी मां के सारे कातिल एक साथ। वक्त आ गया है, चलो। ये सब कहीं जा रहे हैं, मुझे भी इनके साथ जाना होगा। निकालो। आज बहुत बड़ी रात है, 25 साल बाद आज फिर एक बार नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी और अपनी रोशनी से पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देगी। आज वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए तो अपने सबसे बड़े भक्तों को, अपने नागों को शक्ति दे, तेरी मणि की रक्षा करने की शक्ति। हर हर महादेव। क्या वो वक्त, वो घड़ी, जब नागमणि प्रकाशित होगी। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? दीदू, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो देखो, we
देखो नागमणि। ये कौन सी चीज है जो इतनी चमक रही है? नागमणि! यहां से नहीं, उधर से चलो। चलो मेरी नागमणि, देख तेरे लिए मर के जिंदा हो गई, कितनों को मार दिया और जानवरों की इस पलटन को लगता है ये मणि ले जाएंगे और मैं ले जाने दूंगी। मूर्ख प्राणी, नागमणि आ गई है और पूरे 25 साल बाद हम उसे लेने आए। इस बार नागमणि हम चंद्रवंशियों की होगी, महेशमतियों की होगी। मैं होने दूंगी तब ना मक्खी, इस नागमणि को तो मैं ले जाऊंगी, नागलोक की महारानी बन जाऊंगी। तो ये है नागमणि जिसके लिए सब यहां आए हैं, जिसके लिए इन लोगों ने मेरे माँ बाबा को मार दिया, जिसके लिए इन्हें मेरी जरूरत थी। मानव विक्रम, इसे उठाओ, कपालिका इसका जहर उतारो। अयो काली नागी, तू हम सबको यहां लेकर तो आई, चल ना आज एक ट्राई मार ही ले, क्या पता तू वो नागमणि उठा ही ले, है ना? जय हो नागमणि, जय हो काली नागिन। रुचिका इच्छाधारी नागिन है। पहले भी नागमणि नहीं उठा पाई, इस बार नागमणि मैं उठाऊंगी। ये लोग तो इंसान ही नहीं, किसी और ही दुनिया के हैं। इच्छाधारी नागिन, मधुमक्खी, ये लोग तो रूप बदलते हैं, चालें चलते हैं, कितने शक्तिशाली, कितने खतरनाक। अपने माँ पापा की मौत का बदला इन लोगों से कैसे लूंगी मैं?
अब कैसे उठाएंगे ये नागमणि? एक वही थी जो उसे उठा सकती थी और तूने उसे मार डाला। अकेली सिर्फ वही एक नहीं थी, सूर्यवंशी खानदान बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं होगा वो इंसान जिसके शरीर पे वो निशान होगा। तुम लोगों को इस जगह में ले आई जहां ये नागमणि प्रकाशित हुई, और अब मैं उस इंसान को भी ढूंढ लूंगी जो सूर्यवंशी है। जमीन आसमान एक कर दूंगी, पर वो इंसान मैं लेकर आऊंगी। मैं होनी जानी तो कुछ है नहीं, बड़ी आई काली नागिन। चल अब घर चल, शादी वाली घोड़ी नहीं आएगी तुझे लेने। चल चलो। शिवांगी ये देख, ये तो वही निशान है ना, ये तो ये गर्दन के नीचे है। जिन लोगों के शरीर पे सूर्यवंशियों के ये निशान होते हैं वो नागमणि के रखवाले होते हैं, सिर्फ वही नागमणि को उठा सकते हैं। तो क्या वो मैं ही हूं जो ये नागमणि उठा सकती है? नहीं, मुझे जानना है क्या वो मैं ही हूं जो इस नागमणि को। तू नागमणि की रक्षक है, तुझे इस मणि की रक्षा करनी है। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया मैंने नागमणि उठा ली है तो वो लोग ये नागमणि ले जाएंगे। ये नागमणि गलत हाथों में नहीं आनी चाहिए, मणि का यहां रहना ही बेहतर। ओवर एक्टिंग की दुकान, ये कहां ले आई तू हमें? नाग लोग में स्कूल और कॉलेजेस तो होते नहीं, तो काली नागिन भैंस बराबर। अरे जरा देख तो सही क्या है वो। होटल सबर्ब इन, ऊपर वाली खिड़की देख, सेकंड फ्लोर पे देख, वही है वो। कौन? शिवांगी। ए बुढ़िया, तू पागल हो गई है क्या? मैंने उसे मार दिया है। तूने अपने जहर से मारा था, और इंसान धूल से मारता है। उसने तेरी आंखों में धूल झोंक दिया है,
अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा ना तो जा, ऊपर जाकर खुद ही देख ले। यामिनी, अगर तू सच कह रही है तो तेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम। जंगली जानवरों, चलो जल्दी से अपने जानवर रूप में आ जाओ। इतनी डरी हुई है मेरी बच्ची। अरे इस बच्ची को डराने की क्या जरूरत थी, इसकी क्या गलती है? ये सब कुछ तो वो इस बच्ची की वजह से हो रहा है। तेरी बहन को क्या लगा कि वो जिंदा बच गई तो वो हमसे बच जाएगी? इससे मक्खी मारना नहीं आता, लेकिन हमने हमने नागिने मारी है। हमसे कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। छोड़िए इसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वैसे भी इसे पकड़ के हम क्या करेंगे? हाँ, हमें तो तेरी जरूरत है नागमणि के लिए। नागमणि हमारी कमजोरी है और तेरी कमजोरी है तेरी ये हिलती डुलती बहन। इसे हम उठा के ले जाएंगे तभी तो तू नागमणि उठाएगी, उठाएगी ना? अच्छा चलो, ले चलो इन दोनों को गुफा के अंदर। उठा नागमणि। नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाएगी। छोड़ दो इसे, चुपचाप खड़ी हो यहाँ पे। छोड़ो, छोड़ो, शिवांगी। उठाइए नागमणि, उठा के वो नागमणि हमें दे दे। नहीं उठाऊंगी, इस नागमणि की रक्षा करने के लिए मेरी माँ बाबा ने उनकी जान दे दी, उनकी कुर्बानी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अपनी जान दे दूंगी पर ये नागमणि गलत हाथ में नहीं जाने दूंगी, नहीं उठाऊंगी। तो फिर मर। रुक जा, रुक जा। अरे थोड़ा गेम बजा, थोड़ी पॉलिटिक्स खेल। ये बिल्कुल अपनी माँ पे गई, उठ जाएगी लेकिन नागमणि नहीं उठाएगी। शराफत से कह रही हूं, अगर तू ये नागमणि उठा के हमें नहीं देगी ना तो तेरी ये बहन गौतमी अल्लास अल्लास मतलब अल्लास एमके चूस इसका खून, मार डाल इसे। नहीं, नहीं। Thank you.
प्लीज प्लीज इसे कुछ मत करो, मैं नागमणि उठाती हूँ, उठाती हूँ। नहीं, मैं इसे बचा नहीं सकी, मैं बचा नहीं सकी। शिवांगी क्या हुआ तुझे? वो लोग तेरा इस्तेमाल करेंगे, वो लोग मेरा इस्तेमाल करेंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं, किसकी बात कर रही है तू? कौन लोग? नागमणि, उन्हें नागमणि चाहिए। आज नहीं तो कल वो हम दोनों को ढूंढ लेंगे, फिर तुझे मारकर मुझे ले जाएंगे और मुझसे नागमणि उठवा लेंगे। मेरे माँ बाबा ने अपनी जान देकर नागमणि की रक्षा की, नहीं और अब वो लोग उसे। शिवांगी चुप चुप, एकदम काम डाउन, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत करना। अरे कहाँ जा रही है तू? शिवांगी मेरी बात तो सुन, देख हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, रुक। नहीं, और कोई रास्ता नहीं, उन लोगों ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो वो तुझे भी मार देंगे। देख, तू यहां से बाहर मत निकलना, तुझे मेरी कसम। इसे क्या हो गया? अब इससे क्या हो गया? आई जो हो रहा है, जो हो सकता है, सबकी वजह मैं। वो लोग आए थे मेरे लिए, मार गए मेरी माँ को, गौतमी को भी मार देंगे, मेरे हाथों नागमणि उठा लेंगे, पर मैं ही नहीं रहूंगी तो ना उन्हें गौतमी मिलेगी ना ही नागमणि। हेलो सुशांत। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पता है मेरी शादी हो रही है, आई विल सी यू सून। कहते हैं ये वो पहाड़ है जहाँ आप रहते हैं, वो पहाड़ जो आप तक ले जाती है। कहते हैं शिव पहाड़ों में रहते हैं, नाग नागिन की रक्षा करते हैं, उनकी शक्ति होते हैं। मेरे माँ बाबा भी आपके भक्त थे और आप उनकी शक्ति, इसीलिए इस शक्ति को ढूंढने के लिए मैं मंदिर नहीं गई, यहाँ आई हूँ। आप अपने भक्तों से प्यार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, आप शिव भी हैं और काल भी। हे शिव जी, आज मैं स्वयं को काल को सौंपने आई हूँ, मरने आई हूं। उन्हें लगता है कि मैं मर गई हूं, अगर उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूं तो वो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे माफ करना शिव जी, मैं आपकी नागमणि की रक्षा नहीं कर पाई, मुझ में कोई शक्ति नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे इस दुनिया से बचा सके, कोई नहीं जो मेरी और गौतमी की रक्षा कर सके। मैंने माँ को खो दिया, मुझे बचाते बचाते वो खुद मर गई। मैं कौन हूँ? इच्छाधारी नागिन हूँ भी या नहीं ये भी नहीं जानती, जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया,
मेरी माँ को मार डाला। जानती हूँ कि मेरी माँ के कातिल कौन है। देखे हैं सबके चेहरे अपनी माँ की आंखों में। बदला लेना चाहती हूँ हर एक कातिल से, पर कैसे कैसे लूं? वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं और मैं एक मामूली लड़की। छल कपट से अगर उनके घर बदला लेने चली भी गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे भी वहां जाना है जहां मेरी माँ है, मेरा परिवार है। गौतमी के साथ रही तो उसकी जान को खतरा है, मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। सोचा था उसे छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी, पर कहां जाऊं मैं? ना कोई रास्ता है, ना कोई रिश्ता है, पर आप भगवान है, आप ही रास्ता है, आप ही मंजिल, आप ही काल, आप ही महाकाल, आप ही शिव, आप ही शक्ति, और मैं आपकी शरणागत। मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु, मुझे शरण दीजिए। मैं इतनी ऊपर से गिरी फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ।